आज मैं ट्रांसलेशन के लिए जो आवश्यक छोटे छोटे शब्द होते हैं उनके बगैर ट्रांसलेशन नहीं बनाई जा सकती। आज मैं वे सबसे इम्पोर्टेंट शब्द सिखाने जा रहा हूं, जैसे अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर उसके अनुसार। ये स्त्रियों के लिए आता है हर, पुरुषों के लिए आता है हिम, अकॉर्डिंग टू देम उनके अनुसार। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाने में कितने काम के होते हैं ये मैंने अकॉर्डिंग शब्द से बताया। अकॉर्डिंग के आगे टू अवश्य लगता है। ट्रांसलेशन इन शब्दों के बगैर नहीं सीखी जा सकती। इन छोटे छोटे शब्दों का वो महत्व है जो बड़े बड़े सेंटेंसेस का नहीं होता। कीप इन माइंड, याद रखो, कीप इन माइंड, याद रखो। कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप, कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप, यानी किसी के फलतः, किसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है। कंसीक्वेंटली लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। दिस इज वाई, यही कारण है। दिस इज वाई, यही कारण है। एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट ऑल कॉस्ट, मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। आई वॉन्ट इट एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। एट एनी कॉस्ट भी हो सकता है इसकी जगह। एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, आई वॉन्ट दिस। तो तब की अंग्रेजी होगी देन, THEN, देन। ठीक तभी, जस्ट देन, ओनली देन। ठीक तभी के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। जस्ट देन, ओनली देन, THEN लगेगा इसमें। इन द सेम वे, उसी प्रकार। इन द सेम वे का अर्थ होता है उसी प्रकार, SAME, इन द सेम वे। इन शब्दों को देखें कितने महत्व रखते हैं ये। जब कोई ट्रांसलेशन आती है, एग्जाम में भी आती है, वैसे भी आप मुंह से भी बोलते हैं, उसी प्रकार, इन द सेम वे। इस प्रकार की अंग्रेजी क्या होगी, इन दिस वे, इन दिस वे, WAY, इन दिस वे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, CONTRARY, कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। ये शब्द कितने महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे आपके सामने आते जा रहे होंगे वैसे वैसे आपको इसका महत्व पता चलता जा रहा होगा। ऐसे शब्द मैंने छांटे हैं जो ट्रांसलेशन में, चाहे वो इंटर के विद्यार्थी हों, हाई स्कूल के विद्यार्थी हों, BA के हों, MA के हों, MA में तो लिटरेचर होती है, ग्रामर होती ही नहीं। तो इसमें देखें, जैसे तैसे करके, ऑन द कॉन्ट्रेरी का अर्थ है इसके विपरीत, जैसे तैसे करके, समहाउ और अदर, और द अदर आई रीच देयर, कैसे कैसे करके, जैसे तैसे करके मैं वहां पहुंचा। समहाउ और द अदर, मैं जैसे तैसे करके वहां पहुंचा, आई रीच देयर। कभी कभी, कभी कभी और कभी ना कभी, इसकी अंग्रेजी में बस एस का अंतर है। देखें, कभी कभी, समटाइम्स, कभी ना कभी, समटाइम, केवल एस का अंतर है। कभी कभी में समटाइम्स है और कभी ना कभी में समटाइम है। किसी भी समय, एट एनी टाइम, यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम, किसी भी समय आप मेरे पास आ सकते हैं। कभी ना कभी, आज या तो कल, ऐसा तो होना ही था, आज या तो कल, इस प्रकार के सेंटेंस। आज या तो कल, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, इसका अर्थ हुआ आज या तो कल। एक बार, वंस, दो बार, ट्वाइस, तीन बार, थ्राइस,
इस तरीके से ये बनते हैं, एक बार वंस, दो बार ट्वाइस, तीन बार थ्राइस, इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। एक बार, दो बार, की ओर या की तरफ, तो कैसे बनेगी अंग्रेजी, की ओर या की तरफ, टुवर्ड, टी ओ डब्ल्यू ए आर डी, टुवर्ड। येट, येट का अर्थ होता है फिर भी, दो टी एच ओ यू जी एच, या इसमें एल लगा दो, ऑल दो, अर्थ होता है यद्यपि, दोनों का अर्थ ही होता है यद्यपि, और इनके साथ बट का प्रयोग नहीं होता, यट का प्रयोग होता है, इनके पश्चात बट का प्रयोग नहीं होता, दो या ऑल दो अर्थ है यद्यपि, इसलिए कि दो अंग्रेजी हैं, देयर फोर या सो, देयर फोर की स्पेलिंग है टी एच ई आर ई एफ ओ आर ई और सो एस ओ। कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, एस ओ डब्ल्यू को समझ जाते हैं सो, एस ओ डब्ल्यू माने है बोना, किसी चीज की बुआई करना, बोना किसी चीज को, किसी पौधे को, इसलिए तो क्या, तो क्या कितना शब्द ये यूज में होता है, तो क्या, सो व्हाट, तो क्या, किस लिए, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर या व्हाई, व्हाई शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब है यदि हो सका, यदि हो सका, इफ पॉसिबल, इफ यदि पॉसिबल संभव, यदि संभव हो सका, यदि हो सका, एक ही अंग्रेजी बनेगी, एट दिस, इस समय, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस, इस पर, एट दिस, इस पर, एट दिस टाइम, इस समय, काफी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इन शब्दों को इन अंग्रेजियों के साथ यदि रट लिया जाए तो और भी फ्रूटफुल है, और भी लाभ देगा ये, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, एन ओ एन ई, नन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके, क्योंकि, क्योंकि की अंग्रेजी है बिकॉज। अब देखें एक ऐसा सेंटेंस जो हम बोलते तो बहुत है मगर उसकी अंग्रेजी नहीं जानते, क्या है वो सेंटेंस, बड़े बूढ़े तो बहुत कहते, ये मुझे कल की सी बात लगती है, ये मुझे कल जैसी बात लगती है, जैसे कल हुई हो ये घटना, ये मुझे कल जैसे कल की सी बात लगती है, तो मैंने इसकी अंग्रेजी बताई है, इट लुक्स टू बी ए थिंग ऑफ रिसेंट पास्ट, इट लुक्स To be a thing of recent past, R E C E N T, recent past. मुझे तो ये बिल्कुल कल की सी बात लगती है, है तो बहुत पहले की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये घटना कल ही घटी है। It looks to be a thing of recent past. अब देखें अंत में की अंग्रेजी क्या होगी, In the end या at last, In the end या at last. In the meantime या meanwhile, in the meantime, in the meantime या meanwhile, ये शब्द का प्रयोग होता है इसी बीच, इसी बीच, इसी दौरान, in the meantime या meanwhile, ये मैं बता चुका हूं इसी बीच। अबाउट, अबाउट का अर्थ बारे में भी होता है, अबाउट का अर्थ लगभग भी होता है, तो अबाउट का यूज कर सकते हैं या हम ऑलमोस्ट का यूज कर सकते हैं लगभग के लिए, ऑलमोस्ट या अबाउट। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ, आई एन एस टी ई ए डी ओ एफ, इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, Instead of it, इसके बजाय, at this time, इस समय, at this time, इस समय, at that time, उस समय, often, O F T E N, often, often का अर्थ होता है अक्सर,
ऑफन। उसके बाद है इफ, इफ का अर्थ होता है यदि, आई एफ इफ, इफ का अर्थ अगर या यदि। जनरली आम तौर पर, जनरली माने आम तौर पर, सचमुच रियली रियली, सचमुच रियली। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी शब्द, छोटे छोटे वाक्य कितनी कितना महत्व रखते हैं, इनको पढ़ते ही आपको ये ज्ञात हो जाएगा। अगर हमसे आते होते तो हम ट्रांसलेशन सही कर लेते। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग, डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। अर्थात हमें अपना दिमाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हमें बिजी रखना चाहिए। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।